पेट्रोल चोरों पर कसी योगी सरकार ने नकेल। बीती रात लखनऊ के दर्जन भर पेट्रोल पंप पर छापे, खास डिवाइस लगाकर कर रहे थे पेट्रोल की चोरी। कुपवाड़ा आर्मी कैंप पर हमले के बाद गुस्से में शहीदों के परिवार, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग, आज घर पहुंचेंगे शहीदों के शव। सुकमा नक्सली हमले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। 25 अप्रैल को हुए हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में बैग लूटने आए लुटेरों ने विरोध करने पर कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की, सीसीटीवी में कैद भी दोनों हत्यारों की तस्वीरें। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीफ ना मिलने से निकाह बीच में छोड़, नाराज बाराती लौटे, मेहमानों में आए दूसरे युवक ने कर ली शादी। कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी में भद्रेश्वर के पास बांस का प्लेटफॉर्म टूटने से हादसा, कम से कम 5 लोगों की मौत, अभी भी 12 लोगों की तलाश जारी। यूरोपीय देश मैसेडोनिया में प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर किया हिंसक प्रदर्शन, नेता विपक्ष समेत तमाम नेताओं को बनाया निशाना, नए स्पीकर के चुनाव से लोग हैं नाराज। गुजरात से बुरी तरह हारने के बाद आईपीएल से करीब करीब बाहर हुई विराट की टीम बैंगलोर, किसी चमत्कार से ही हो सकती है प्लेऑफ में एंट्री। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।